दोस्तों ये गाड़ी है किया की सेल्टोस, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत शानदार, बहुत लग्जरी प्रीमियम गाड़ी है। जो इस गाड़ी को खरीदता है कहीं ना कहीं उसके दिल में बात आती है कि भाई माइलेज से कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसयूवी में आती है, मिनी एसयूवी में इसको काउंट करते हैं हम। और अगर इस गाड़ी की बात की जाए सेल्टोस की, तो ये फेज टू गाड़ी है और BS6 की अप्रूवल, चाहे वो फेज वन हो या फेज टू हो, दोनों में आ चुके हैं। क्या किया की गाड़ी में CNG की परफॉर्मेंस पेट्रोल की तरह चलती है या फिर कुछ लैग करती है? आज इस गाड़ी के अंदर हमने नेक्स्ट लेवल काम किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कार के जो ओनर हैं वो हमारे पास अपनी दूसरी से तीसरी गाड़ी लेके आए हैं। आज इस गाड़ी में उनका काम कराने का मन नहीं था, क्योंकि जब इस गाड़ी की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात चलती है कि यार ये गाड़ी तो बिल्कुल न्यू ब्रांड है और न्यू ब्रांड में CNG किट का इंस्टॉलेशन कराना चाहिए, क्योंकि कंपनी से इसमें CNG किट लग के नहीं आती है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये 8 इंजेक्टर्स इसमें पीछे से दिए गए हैं, तो पेट्रोल पे अगर 8 इंजेक्टर्स हैं तो क्या CNG पे 8 इंजेक्टर्स लगाए जाएंगे? बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मेरी होंडा सिटी गाड़ी है, मुझे 8 इंजेक्टर वाली किट लगवानी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 8 इंजेक्टर गाड़ी अगर पीछे से आई है तो उसमें 8 इंजेक्टर आप लगवा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर 4 इंजेक्टर की गाड़ी लेके चल रहे हैं तो उसमें 4 इंजेक्टर वाली ही किट लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, इस गाड़ी के अंदर में जो काम किया वो है मीजो, एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया का सबसे नंबर वन ब्रांड है और आज की डेट में मार्केट के अंदर पूरा कैप्चर कर चुका है, मार्केट में पूरी कब्जा की हुई है। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी फिलहाल अभी स्टार्ट है। आज जो मेरा वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्टार्ट गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको ये पता लग सके कि क्या गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन है। अभी फिलहाल मैं बोनट को हाथ में पकड़ के खड़ा हूँ, अगर गाड़ी में वाइब्रेशन होता तो आपको फील हो जाता कि गाड़ी में वाइब्रेशन है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। CNG पे गाड़ी स्टार्ट है, इंजेक्टर्स आप देखिएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम किया गाड़ी के अंदर, 8 इंजेक्टर्स प्रॉपर लगाए हैं। और मीजो के जो इंजेक्टर्स हैं बहुत हाई एंड इंजेक्टर्स हैं, इनको हम 3 टाइप इंजेक्टर्स भी बोलते हैं। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी वायरिंग को ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया हुआ है, जितने भी जॉइंट्स हैं सब जॉइंट पे हमने प्रॉपर क्लैंपिंग की हुई है, रिड्यूसर डबल स्टेज है और इनका मीजो का जो रिड्यूसर है बहुत ज़बरदस्त रिड्यूसर है। फीलिंग वॉल हमने आगे की तरफ लगाया है, फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कन्फ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर जो ECM लगाया है ये ECM इटली से इम्पोर्ट किया हुआ ECM है, और कोई भी कंपनी मैक्सिमम आप ये देख लीजिए कि जो भी कंपनी ECM दे रही है वो AEB इटली से जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, उन्हीं का ECM है ये, चाहे वो लवेटो हो, चाहे वो मोटोजेन हो, चाहे वो मीजो हो, कि तीनों के तीनों कंपनीज जो है वो AEB से ECM को डिज़ाइन कराती हैं। यानी कि AEB कंपनी इटली की काफ़ी बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। यहाँ पर हमने इस गाड़ी के अंदर एडवांसर जो चूज़ किया है वो किया है पांडा ओरिजिनल, जो कि AEB कंपनी ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है। आपको मैं यहाँ बता दूँ, ECM भी AEB कंपनी का है और पांडा भी AEB कंपनी का है, तो परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल एकदम सटीक निकल के आती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं एडवांसर्स की, तो एडवांसर्स मार्केट में बहुत टाइप के आते हैं। यहाँ इस गाड़ी के अंदर हमने ओरिजिनल AEB कंपनी का एडवांसर लगाया है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग डाली जाती है, तो हमारे पास सेल्टोस की प्रोग्रामिंग हमने डाल के दी है। अंदर से इंटीरियर फेज टू गाड़ी का फेज वन से काफ़ी ऊपर आया है। फिलहाल गाड़ी में गैस कम है, 2 पॉइंट्स यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं। अगर हम डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं तो डैशबोर्ड में किसी भी तरह का कोई चेक इंजन निशान नहीं है, बहुत स्टेबल गाड़ी है, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगर हम बैक साइड से बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर लगाया है वो लगाया है 12 किलो का, 12 किलो में गैस आपको मिलेगी करीबन 8 से 8.5 किलो। कितना लगेज इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि इनको लगेज की प्रॉब्लम नहीं होनी थी चाहिए थी, तो मैंने इनको स्पेस निकाल के दिया है। उसका रीज़न है कि आपने जो स्टैंड की क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग रखी हुई है, पाइप वाला स्टैंड इसमें लगाया हुआ है। अब इस गाड़ी की छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, इस कार के ओनर को बोलेंगे कि इस गाड़ी में बैठिएगा और इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, सो दैट कि हमारे जो सेल्टोस के जो हमारे ओनर्स हैं उनको पता लग पाए कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। तो सर इसी टाइम आपका स्वागत है निशान जी, थैंक यू। गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी लग रही है फिलहाल की आपको? गाड़ी में चलाने में कोई डिफरेंस महसूस हुआ नहीं अभी तक, बिल्कुल सेम पेट्रोल की तरह सेम एक टेस्ट ड्राइव हो जाए गाड़ी की सर, बिल्कुल हो जाए। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. दोस्तों जब हम गाड़ी में CNG किट की बात करते हैं तो माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, ये तो एक बात हो गई, बट कहीं ना कहीं जब हम
पिकअप के साथ में कंप्रोमाइज करते हैं तो मजा नहीं आता। तो इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पिकअप के साथ सीएनजी आ चुकी गाड़ी, आप देखिएगा राइट साइड में स्विच है और पता ही लग रहा बिल्कुल भी कन्वर्ट हुई है, बिल्कुल नहीं पता लगा। उसका रीजन बताता हूँ मैं, वो पता क्यों नहीं लगा आपको। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो काम हुआ है वो इसका जो ECM है जो हमने लगाया है इस गाड़ी में, वो बहुत अमेजिंग ECM है क्योंकि AEB कंपनी का ECM है। दूसरा जो इसमें पांडा लगाया है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है फिलहाल अभी। और अगर माइलेज की हम बात करते हैं तो माइलेज इसका पेट्रोल पे कितना निशान जी? पेट्रोल पे 8-9 मैक्सिमम 10-12 आता है, 10-12 आता है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ इसकी माइलेज जो है अगर पेट्रोल पे 10 का है तो सिटी में ये आपको 17 का निकाल के देगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। हाईवे पे आप विश्वास नहीं करेंगे 25 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है गाड़ी आपको। 25 तक बहुत बड़ी। आपने किसी भी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं किया है पिकअप के अंदर माइलेज के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस गाड़ी के अंदर जब CNG इंस्टॉल हो जाती है RC पे एंडोर्स कराने के बाद, आप सभी सुन लीजिएगा, इसको इंश्योरेंस में भी एड कराना होता है जो कि कई कस्टमर भूल जाते हैं इंश्योरेंस में एड कराना। दूसरी बात यह है कि आपके जो सामने डैशबोर्ड के अंदर मेरे को फोन करते हैं कई बार कस्टमर्स की भी, जब हम CNG पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो उसके अंदर दिखाता है कि कितने किलोमीटर और चलेगी गाड़ी वो भी कम होता जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी रीडिंग्स होती हैं जिसमें ये दिखाता है जितने भी नई गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर दिखाता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी, तो वो आपका कम होता जाएगा बिकॉज वो लिंक होता है आपके टायर्स के अकॉर्डिंग, जितना टायर्स रोटेट करेगा वो आपका कम होता जाएगा। ये कंफ्यूजन था मुझे अभी भी, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देख लिया है किया सेल्टोस फेस 2 वेरिएंट के अंदर मीजो हम लगा चुके हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और इजी ड्राइव के पास अपनी ड्राइव को इजी बनाएं। थैंक यू।